चलो ओके। लेकिन भाभी जी क्यों नहीं आई? आ जाएंगी भाई। लक्ष्मी जल्दी करो, पार्टी में जाने का समय हो गया है। और कितनी देर? आ रही हूँ। हाँ, एक घंटे से कह रही हूँ, सिर्फ दो मिनट में आ रही हूँ, फिर भी चिल्ला रहे हो। सुना आपने? हाँ, सुन लिया। मुझे एक बात बताओ पटेल, तुम तो साइकोलॉजी में निपुण हो, ये औरतें जो हैं अपनी अकल से ज्यादा अपने शक्ल पर इतना क्यों कॉन्सेंट्रेट करती हैं? देखो राज, ऐसा है, ये मर्द लोग जो है ना, वो औरतों के बारे में अकल से बेवकूफ तो होते हैं लेकिन आंखों से अंधे नहीं होते। सिर्फ दो मिनट में पूरा घर सिर पे उठा लिए। अच्छा, बंद कर दिया। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस भाभी जी। कंग्रेचुलेशंस। वैसे भाभी जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? दो यहाँ के, दो वहाँ के, बीच में 10 साल हो गए। 10 साल हो गए कुल मिला के, यानी कि आपकी हाफ सेंचुरी तो कंफर्म है। वो कैसे? वो ऐसे कि अपने जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं ना, वो जैसे डबल फिगर्स में पहुंचते हैं ना, 99 तक तो फिर पहुंच ही जाते हैं। वैसे एक बात बताइए, इतनी लंबी इनिंग्स खेलने के बावजूद आप फॉर्म में, इसका क्या राज है? मैं बताता हूँ डॉक्टर पटेल, उसमें क्या है कि हम रोजाना नेट प्रैक्टिस करते राज। हमारा सीक्रेट फॉर्मूला ये है कि एक के बाद अभी नहीं, दूसरा कभी नहीं। दूसरा कभी नहीं? लेकिन दूसरा क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्योंकि जब मेरी इनके साथ शादी हुई थी तो जो दूसरा है वो पहले से मेरे जहेज में आ गया था ना। पहले से? ये देखो दूसरा। देखो देखो, मुझे लॉटरी लग गई। सच? क्या हुआ दीदी? लगातार 3 दिन से मेरे सपने में 7 का आंकड़ा आता था, तो मैंने क्या किया, हिसाब किया, 7 + 24, तो मैंने 24 नंबर का टिकट खरीद लिया। गुल्लू, 7 + 27 होता है। 21 + 27, मुझे क्या, मुझे तो लॉटरी लग गई है ना। कितने रुपए मिलेंगे? 24 रुपए। ये है मेरे जहेज के दागिने। लोगों के जहेज में कबाट आता है, पलंग, सोना, चांदी, मेरे जहेज में यह है। ठीक बिहारे से तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। जीजा जी, मेरी शादी कब होगी? क्या है कि गुल्लू, अगले 5 वर्षों में तुम्हारे हाथ में शादी का कोई योग नहीं है। 5 साल के बाद शादी होगी ना? नहीं नहीं, 5 साल के बाद तो तुम्हारा, तुम्हें कुंवारा रहने की आदत पड़ जाएगी ना। कुंवारा? डॉक्टर पटेल, आपने मिसेस पारेख के डिस्चार्ज पेपर्स तैयार कर दिए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? भाई आज 8 तारीख है यार। तो क्या 8, 17 और 26 को मैं कोई काम करता ही नहीं। ये क्या बात हुई? अरे बात क्या नहीं भाई, ये नंबर्स मेरे लिए अशुभ है। डॉक्टर पटेल, आप डॉक्टर हैं या कंडक्टर हैं, ये शुभ अशुभ में कब से मानने लगे? देखो तुम मानो या नहीं मानो, मैं मानता हूँ। अच्छा, मेरा एक ज्योतिषी में अटूट विश्वास है। उसकी हर बॉल गुगली होती है। मतलब? मेरे कजिन को उसने कहा था कि वो करोड़पति बनेगा। तो बना हुआ करोड़पति बना तुम्हारा कजिन? इन अ वे? व्हाट यू मीन इन अ वे? करोड़पति बना या नहीं बना, इन अ वे क्या होता है? अरे भाई वो आजकल एक नेशनलाइज्ड बैंक में कैश क्लर्क है। आने दो तुम्हारे इस महाराज को, मैं उसे ऐसे कैच आउट करवा दूंगा कि वो भी याद रखेगा। हाथों की चंद लकीरों का यह खेल सब तकदीरों का। बालक, तुम मलेरिया के हर पेशेंट को एक ही तरह की दवा देते हो ना? देते हैं। फिर भी कोई जीता है, कोई मरता है। कुत्ते कारों में घूम रहे, इंसान कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। सितारों के खेल निराले हैं, हम सब मुकद्दर के मारे हैं। महाराज, महाराज, ये मेरा दोस्त राज। राज, तुम मिलोगे आज एक ऐसे शख्स से जिससे कहा तुम मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। जाहिर बात है वो मेरे सामने खड़ा है। कर लो आज तुम ठिठोली, कल आओगे फैलाए झोली। फोन उठाओ। अरे क्या फोन उठाओ, घंटी बजी नहीं, फोन उठाओ। 2 सेकंड में बजेगी। हेलो डॉक्टर राज। हेलो राज, घर जल्दी आ जाओ, गुड न्यूज, पटना से डैडी मम्मी आए हैं। बोला था ना महाराज, हाथों की चंद लकीरों का। डैडी, डैडी। हाँ बेटे, मुन्नी बोलो। आपको पता नाना नानी आए हैं? आहिस्ता बेटे, तुम उनसे जरा दूर ही रहना, उन्हें छूत की बीमारी है। ओ पागल बन गई ना। लेकिन ये राज हम दोनों के बीच में ही रहे, ओके? लोग वहाँ पर बैठे हुए, तुम गार्डन में जाओ खेलने, उनसे बच के रहना। चलो बाय डैडी। बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते भाऊजी। ऐसे अचानक चले आए, ना खत न चाह, तार न चिट्ठी, न टेलीफोन, न टेलीग्राम वगैरह, कुछ अचानक कितना शौक लगता है ना। तुम्हें क्या लगा हमें से कोई सीरियसली बीमार है? बाबूजी हमारे ऐसे भाग्य का। अरे भाई राजा, हम तो यहाँ तीर्थ यात्रा पे आए हैं। मुंबई में तीर्थ यात्रा?
तीरथ जाना था तो काशी जाना था, हरिद्वार जाना था, तिरुपति जाना था, बम्बई में क्या? बम्बई में वो देवी के दर्शन के लिए आए। कौन सी देवी बम्बई में? बम्बा देवी, कालवे देवी, शीतला देवी, श्री देवी। माँ फुल्लू नहीं आया। अरे ये बावला क्या कम है, फुल्लू नहीं आया। जी आप सबके सामने मुझे पागल क्यों कहते हैं? अच्छा सीक्रेट रखना चाहिए था तो फिर आई एम सॉरी। राज। अरे क्या राज, क्या राज बाबूजी, आपको पता है कल मैंने इस पागल को एक इत्र की शीशी प्रेजेंट की, इसने अपने हाथ में उंडे लिया और चाट गया। बोलिए चाट गया और क्या? ऐसे ही चाट गया। हाँ। ऐसे ही ये नहीं सुधरेगा। अबे बेवकूफ, मक्खन की तरह रोटी को लगाकर खाना चाहिए था ना। भगवान भगवान भगवान, किस ढील फैमिली से पाला पड़ा है। महाराज आप ठीक कहते थे। कौन महाराज? नेवर माइंड लच्छू, माँ बाबूजी की खातिर करो, मैं जरा चेंज करके आता हूँ, आप चाय वाय पीजिए। मैं भी जरा बाजार होके आता हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ, यहाँ के लोग आपको पागल बना देंगे। डेंजरस पीपल यू नो। मुन्नी ये जवाई राजा जरा बहुत लगता है। मुझे मालूम नहीं, हम तो यहाँ देरी खातिर आए हैं। मुझे क्या हुआ है, मैं तो भली चंगी हूँ। अरे मुन्नी, सपूत बिना स्त्री ऐसी होती है जैसे करतूत बिना मिनिस्ट्री। अच्छा क्या है, इधर आ। क्या माँ, ये 21वीं सदी है, आप 17वीं सदी की बात कर रही हैं। अरे 21वीं सदी हो या 25वीं, बेटा बेटा ही होता है, घर का चिराग। हाँ चिराग तले अंधेरा होता है, ये देखो। अरे बावली, ये गुड़िया तो शादी करके कल चली जाएगी ससुराल। हाँ। फिर बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल की बहुएं जिसकी लाठी उनका सर फोड़ देती है। बकवास बंद कर। मेरी बात सुन। पुरोहित जी ने कहा है कि इस सप्ताह में पुत्र प्राप्ति का उत्तम योग है। हाँ। और उनकी बात कभी झूठ नहीं होती। हाँ। मम्मी मम्मी मुझे एक भाई चाहिए राखी बांधने के लिए। ये लो। मम्मी मम्मी कहा ना मुझे भाई चाहिए, भाई चाहिए, भाई चाहिए। ओ गुड्डी, मम्मी की बात मानो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अरे तुम भी अपनी मम्मी की बात मान लो ना। नहीं करते। संकट, घोर संकट, आने वाले एक सप्ताह के अंदर तुम्हारे सर पर मुसीबत के बादल मंडराते रहेंगे। ये कैसे हो सकता है महाराज, मेरे घर में न तो JK-87 है और ना ही मैं किसी दिवाला रैकेट में इन्वॉल्व हूँ। केंद्र स्थान में शनि को पछाड़ कर वो ससुरा जो घुस आया है वो प्राण घातक हो सकता है। ठीक है, अरे लेकिन मेरे प्राण कौन लेगा, मेरे अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। पत्नी, आने वाले शुक्रवार तक पत्नी की छाया से भी दूर रहना, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो जो बालक तुम्हारे घर में जन्म लेगा वो पितृ घातक होगा। नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं अपने घर में Z सिक्योरिटी लगाते हूँ, यानी VIP सिक्योरिटी। अब मैं अपनी पत्नी की छाया से भी दूर रहूंगा महाराज। शाबाश। और अगर कोई ऐसे वैसे विचार आए ना, ऐसे वैसे, हाँ समझ गया, तो एक काम करना, ठंडे पानी के नल के नीचे बैठ जाना और मैं जो बोलता हूँ वो मंत्र बोलना। कौन सा मंत्र? अयम वयम कंडम। अयम वयम कंडम। असंभव असंभव, अरे क्या करो लक्ष्मी, परे हटो, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छा नहीं लगता ये सब। आज घर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं। अरे दूर हटो, गर्मी लग रही है। गर्मी कहाँ गए सब? कालवा देवी। हे भगवान, ये देवी माँ मेरी रक्षा करना। देवी माँ तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि मुझे ठंडे पानी के नीचे जाके बैठ जाना चाहे, स्नान करना चाहे। अयम वयम कंडम। अयम वयम कंडम। हेलो हेलो, डॉक्टर पटेल हियर, राज है क्या? राज तो स्नान करने गए हैं। डॉक्टर पटेल, क्लिनिक में कोई टेंशन चल रही है क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे लक्ष्मी, यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है भाई? राज, बत्ती जलाना। क्यों? Today we're going to have a candlelight dinner. और डिनर के पहले ये appetizer. ये, और ये, मेरे होते हुए बिजली की क्या जरूरत है? अरे ये तुम क्या कर रही हो, बिहेव योरसेल्फ। अरे मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हाँ बराबर है। I am कंडम। क्या? कुछ नहीं, मुझे ठंडे पानी के नल के नीचे बैठना पड़ेगा। राज ये तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, कम ऑन नाउ, बी अ गुड गर्ल, लेट्स हैव अ नाइस इवनिंग, लेट्स हैव, पहले हम डिनर करते हैं। पहले डिनर? हाँ, भूखे भजन ने होई गोपाला ना। ओके मैं डिनर लाती हूँ। करेक्ट।
लच्छू आ जाओ लच्छू। अरे खाने की कोई जरूरत नहीं है, जरा प्रोग्राम चेंज हो गया है। क्या यार? Let's have an appetizer first. Oh, how sweet! Cheers. Very tasty. Very nice. I love you, Raj. Even I love you, darling. Raj, I love you. That was a close shave. I am my Mukundam. Maharaj. हरिओम 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 महाराज महाराज, अब आप ही इस आफत से मुझे बचाइए महाराज। कल तो चीर हरण होते होते बच गया महाराज, बाल बाल बच गया मैं। कल तो मेरी इज्जत, मेरी मंत्र शक्ति से तो बच गया है महाराज। फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन बाबा करे। ए मुन्नी, क्या हुआ, कैसा रहा रन रेट? काय का रन रेट, कल का गेम वॉश आउट हो गया। नालायक, आजकल की छोरियों को पति को कैसे पटाना ये भी नहीं आता। अरे पर तुम तो इस विषय में पीएचडी हो, ये सुपुत्र है ना तुम्हारा प्रमाण पत्र। क्या जी आप? कुछ पैतरा लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है इन दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मुन्नी अम्मा, आज शाम को राज आएगा ना तो उससे बात करते हैं। हम सब लोग पिकनिक जाएंगे। ए, सब लोग नहीं रहे, सिर्फ ये दोनों। हाय राज। हाय हाय राज, ये ऐड देखी? काय की ऐड? एमपी टूरिज्म की ऐड है। एमपी टूरिज्म, चलो ना खजुराव जाते हैं। खजुराव तुम्हारी खिसक गई है, घर में गुड्डी है, उसको कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा? माँ है ना, सब कुछ देख ले। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम गुल्लू को ले जाओ। हाँ दीदी, मैं आता हूँ तेरे साथ खजुराव, मुझे खजूर खाने हैं। हाँ गुड्डू कहीं का, घर में खजूर है। जवाई राजा, चले जाइए ना, आबो हवा बदल जाएगी। अरे क्या अम्मा, यहाँ पर मेरी हवा बंद हो गई और आपको आबो हवा की पड़ी है। हॉस्पिटल में दो चार इमरजेंसी केसेस हैं, मुझे ऑपरेशन करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। तुम जल्दी से खाना लगाओ, मुझे वापस जाना है, मैं ठंडे पानी से नहा कर आता हूँ। सबर कर, सबर का फल मीठा होता है। हाँ, जैसे कि मैं अम्मा के सबर का फल हूँ, मीठा मीठा। चार दिन हो गए लेकिन अभी तक चार कदम का फासला भी तय नहीं कर पाए। अम्मा मैं तो हार गई हूँ, चार दिन से कौन जाने क्या अगड़म बगड़म करते रहते और ठंडे पानी से स्नान करते रहते हैं। मुझे तो लगता है वो जान बुझ कर टाल रहा है। मुझे लगता है जीजा जी को कोई स्ट्रॉन्ग डोज देना चाहिए। हाँ, अरे है ना मेरे पास बिंदरा जी का दिया हुआ रामबाण इलाज। अच्छा? हाँ, इसे पानी चाय या कॉफी मिलाकर जवाई राजा को पिला दो और फिर देखो इसका कमाल। ये तुमको पूरा भरोसा है? अरे 100%। इसे तो बस मिलाया पिलाया और हो गया। क्या बात है, सिली पॉइंट पे। सिली पॉइंट क्या होता है जीजा जी? जहाँ तेरे जैसा सिली फील्डर खड़ा होता है उस जगह को सिली पॉइंट कहते हैं। सिली बॉय नहीं जी, देखो सिर्फ दो ड्रॉप्स। गोल! ऐसे तीन को अगर इस तरह चिल्लाएगा ना तो मैं टेलीविजन बंद कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये लो कॉफी गर्मा गर्म। हाँ हाँ, ये किसके लिए? ये लो आपके लिए, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। पर किस खुशी में? तो खैर दीजिए जी, इसमें है ना ये गुल्लू।
पेपर उल्टा है कि मैं उल्टा बैठा हूँ? मैं तो सीधा बैठा हूँ, ना जाने पेपर उल्टा क्यों छापते हैं। गुड मॉर्निंग गुल्लू। गुड मॉर्निंग दीदी। गुल्लू डैडी नहीं है, मॉर्निंग वॉक से वापस नहीं आया क्या? जाएंगे तो आएंगे ना, तुझे पता है दीदी वो स्पेशल दवा वाली कॉफी कल माँ ने पी ली ना। हाय हाय, तभी मैं कहूँगा छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारे मैं रो पड़ूंगी। माँ ये कॉफी बोल रही है। माँ डैडी अभी तक उठे नहीं, उनको फीवर तो नहीं हुआ? सैटरडे नाइट फीवर हुआ होगा, सोने दे उन्हें। मुन्नी तू मुझे ये बता, वो मसाले वाली कॉफी का करिश्मा कैसा रहा? तो सुपर फ्लॉप, वो कॉफी तो आप पी गई थी। मैं तभी मैं कहूंगा। देखो भगवान, एक कप चाय मिलेगी? बाबूजी, अम्मा ये रही आपकी शिरडी की दो टिकटें। शिरडी की टिकटें कैंसल कर दो। कैंसल? क्यों? क्योंकि हम लोग अभी शिमला जाएंगे। अरे भगवान, संन्यास की उम्र में तुझे हनीमून का चाव आ रहा है, ये बच्चे लोग क्या कहेंगे ये तो? राज हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जा रहे हैं लक्ष्मी, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। बाबूजी मैं आता हूँ। माँ आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, सिर्फ दो दिन बाकी है। देख मुन्नी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना चाहिए? चम्मच से निकलना चाहिए। चुप रहे चमचा। देख मुन्नी, मूंग की गुड़िया बन के तो कोई बात बनी नहीं, अब तू पत्थर के सनम बन जा, मतलब लाड़ प्यार बोलना चलना सब कुछ बंद। You mean cold war? हाँ, cold war. क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से गीता में यही कहा था कि मुन्नी युद्ध कर। मुन्नी? युद्ध महाराज। नहीं बालक। युद्ध महाराज। नहीं बालक। महाराज युद्ध। ओके। देखो, संकट के समय में मौन व्रत सबसे बड़ा हथियार होता है। कैसा? सिर्फ दो दिन की तो बात है तो मौन व्रत धारण कर ले। ला कुछ दक्षिणा दे दे, दक्षिणा दे दे बालक, दक्षिणा दे दे। ये क्या? आज मेरा मौन व्रत है। लक्ष्मी लच्छुप, आज तो मेरा मौन व्रत है, मुझे बोलना नहीं है, लेकिन मैं ये सारी बातें जो आपसे कह रहा हूं वो बिल्कुल स्वागत है, यानी सिर्फ आप सुन सकते हैं, मैं सुन सकता हूं, दूसरा यहां पर कोई नहीं सुनता, समझ गए आप? मिला ये हाँ। कोई नहीं है, पागल हो गए। पागल चुप। क्या? चाय बड़ी दीदी को बोलू लाने के लिए, खाए के लिए? मैंने तो चाय पी ली। हाँ मैंने चाय पी ली, चाय पी ली मैंने। हाँ तेरे लिए चाय है तो ये लो ना। ये खाली इशारे कर रहे, बोल नहीं रहे। चाय पकड़, मारूंगा ये चाय। पकड़ा पकड़ा, जोर से मारूंगा, जोर से मारूंगा, नहीं दुखता है, इसको भी मारेगा। जा रहा हूँ, जाओ जाओ। चार्ली चैपलिन की पिक्चर चल रही है, डबिंग मैं कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? मैं पूछ रही हूँ ये चाय छोड़ के क्यों चले गए? क्या मालूम, जाने दो ना, एक चाय बच गई अपने को। क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चाय में शक्कर की जगह वो नमक डाल दिया, इसमें कुछ नहीं है। यार मैं तंग आ गया हूँ इस रोज रोज की आंख मिचौली से। इस महाराज के बच्चे ने मेरे नाक में दम कर दिया है, ये मत करो वो मत करो, पत्नी की छाया तक पड़ने मत दो, जरा सा भी बुरा विचार मन में आए तो ठंडे पानी के नीचे, नल के नीचे बैठ जाओ। अरे ठंडे पानी के नल के नीचे बैठ बैठ के मुझे तो जुकाम हो गया है। आई एम सॉरी यार राज, आई एम सॉरी। व्हाई आर यू बीइंग सॉरी? अरे यार आई हैव टू बी सॉरी। ऑलराइट देन बी सॉरी। लेकिन क्यों? ये आदमी फ्रॉड निकला, ये ज्योतिषी। कम से कम 50 लोगों का पैसा लेकर फरार हो गया कंबख्त। अम्मा अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी, तुम्हारी वजह से राज नाराज होके चला गया। नहीं चाहिए मुझे कोई लड़का वड़का, मुझे मेरा राज चाहिए। हेलो
हेलो लक्ष्मी डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। आप ठंडे पानी के नल के नीचे बैठना, कैंसल बंद। हाँ डार्लिंग, तुम एक काम करो, तुम सबको भेज दो श्रीदेवी के दर्शन के लिए। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। राज, आई लव यू। एट लास्ट। तुम भी अजीब हो हाँ? क्यों? उस हरेशा के चक्कर में आ गए। हरेशा कौन? हरेशा वो हस्तरेखा शास्त्री। नाम मत लो उसका लक्ष्मी, उसका नाम मत लो। इतने दिन हो गए, आज भी मेरे सपने में भूत की तरह आता है वो। मैं भी अजीब हूँ ना? और क्या, अम्मा की बातों में आ गई। बेटे घर का चिराग होते हैं। अरे जिसकी गुड्डी जैसी प्योरी बच्ची हो, उसे चिराग जलाने की क्या जरूरत है? मैं भी पागल हूँ ना। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है लच्छू, पागलपन तुम्हारे खानदान का ट्रेडमार्क है। फिर से मेरे खानदान को पागल कहा? हमारे पड़ोसी अंकल को मारा। बुल्लो, बुल्लो। पहले उसने मारा, इसलिए मैंने उसको मारा। इतने में उसका कुत्ता वहाँ पे आया, भौंकने लगा, तो मैंने उसे मारा। कुत्ते को? पड़ोसी को। फिर पत्थर उठा के उसको मारा, वो नीचे गिर गया। पड़ोसी? कुत्ता। फिर उसने मुझे मारा। कुत्ते ने? पड़ोसी ने। फिर तुम दबा के भाग गया। हाँ पड़ोसी नहीं, कुत्ता। पड़ोसी को तुम होती है क्या लॉजिक? ऐसे चराग पैदा किए हैं तुम्हारे अम्मा और बाबूजी ने, और दूसरों के लिए बेटे मांगते फिरती हैं। अरे मैं तो बोलना ही भूल गया। क्या? गांव से बाबूजी का लेटर आया है। अरे, क्या लिखते? हाँ, क्या लिखते? लिखते अपने अम्मा का पैर भारी हो गया। हाय हाय, तो अभी पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी नहीं, आपको छोटा भाई आने वाला है, टुल्लू।